नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सुख समृद्धि विज्ञान अनुसंधान केंद्र के इस चैनल सुख समृद्धि विज्ञान में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रोज की भांति एक आज दिव्य औषधि के बारे में आपको बताने आया हूं और आशा है कि इसके द्वारा आप लाभ उठाएंगे और इतना लाभ उठाएंगे कि आपको लगेगा ये दिव्य जड़ी बूटी के बारे में हमको पहले क्यों नहीं बताया गया। कल एक मित्र ने कमेंट किया था कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं जिससे औषधियों को पहचानने में जो दिक्कत होती है वो ना होए, तो मैं ये चाहता हूँ, उस मित्र से कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी तो मैं अच्छी बनाना चाहता हूँ और ध्यान भी रखूंगा, पर कभी सुबह है, कभी दोपहर है, कभी शाम है, कब हम घर से निकलते हैं उस हिसाब से भी प्रकाश और प्रकाश कभी कम है कभी ज़्यादा है, ऐसा भी प्रभाव पड़ सकता है। पर फिर भी हम आपके सुझाव को पसंद करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इसके बारे में अवगत कराया। तो मित्रों, आज हम इस दिव्य जड़ी बूटी जिसके बारे में आपसे बात करने आए हैं, इसको स्वर्ण छीरी कहते हैं और इसका जो बायोलॉजिकल नाम है आर्जिमोन मैक्सिकाना, हिंदी में इसको सत्यानासी के नाम से जाना जाता है। और सत्यानासी के नाम से इसको क्यों प्रचारित किया गया, इसके कारण क्यों इसको इतना बदनाम पौधा बना दिया गया, पहली बात तो ये कि इसमें इतने कांटे होते हैं कि कोई धोखे से भी छू ले तो वो कांटे बहुत दर्द भी करते हैं और तुरंत लग जाते हैं, व्यक्ति को दिक्कत होती है। दूसरी बात ये कि आर्जिमोन मैक्सिकाना के बीज बिल्कुल लाही की तरह होते हैं देखने में, और लाही में इनकी मिलावट करके लोग कड़वा तेल, जिसको सरसों का तेल कहते हैं, लाही का तेल कहते हैं, उसमें मिलावट करके बेच देते हैं। तो इस मिलावट के कारण लोगों को ड्रॉप्सी अर्थात जलोदर का रोग होते देखा गया है। हाथ पैर फूल जाते हैं और पेट भी बड़ा हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, और यहाँ तक कि कई बार आपने खबर पढ़ी होगी कि इस मिलावट के कारण कई लोगों की जान भी चली गई। तो मित्रों, इसके बीज में एक ये दुर्गुण होता है, ईश्वर न करे कि जो तेल आप खा रहे हैं उसमें आर्जिमोन मैक्सिकाना अर्थात इस सत्यानासी के बीज मिले हों। खैर, दुनिया की कोई भी वनस्पति है अगर सही ढंग से उसका प्रयोग किया जाए तो भाई मेरे आपको फायदा करेगी, और अगर गलत तरीके से दूध भी पिया जाए, गलत तरीके से अमृत भी लिया जाए, हो सकता है वो जहर बन जाए। हमारे यहाँ कई ऐसे विष हैं, अफीम है, कुचला है, और भी ऐसे विष हैं, संखिया है, जिनको आज भी और हमेशा से औषधि के रूप में प्रयोग करने की परंपरा रही है। उसकी मात्रा, उसका अनुपान, उसका कार्य करने का तरीका, वो औषधीय गुणों को प्रवर्तित करता है और आप सभी लोगों को लाभ प्राप्त होता है, रोग दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चूहों को मारने वाली दवा से कई वैद्यों ने करोड़पति खुद को बना लिया? चूहे मारने वाली दवा सल्फास को कई वैद्यों ने एक पुड़िया सल्फास से हजारों रोगी ठीक कर दिए और खुद करोड़पति बन गए। और आपको पता है कि अल्प मात्रा में एक विशेष विधि से खाने के बाद वह सल्फास भी अमृत का काम करती है, मनुष्य में पौरुष शक्ति का वर्धन करती है, पौरुष शक्ति बढ़ाती है और नपुंसकता को दूर करती है।
परंतु वही सल्फास व्यक्ति की जान भी ले लेती है। खैर, आज हम स्वर्ण छीरी के पास खड़े हैं। देखिए, ये स्वर्ण छीरी है जिसमें स्वर्ण अर्थात सोने के समान पीला दूध निकलता है, और ये पौधा आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये इस पौधे के फूल हैं, पहचानिए, और हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इस पौधे के स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं जिससे इस पौधे को आप पहचान सकें। ये इस प्रकार से, और इसके पत्ते देखिए, इसके जो पत्ते हैं कितने कांटों भरे हैं, और इसके जो ये फल हैं जहां मैं उंगली रखे हुए हूँ, इन फलों में कुछ ये फल पके हुए हैं ये, और इनमें से ये काले काले दाने निकल रहे हैं जो कि लाही के दानों के बराबर होते हैं, उन्हीं की तरह लग रहे हैं। ये लाही के जैसे दाने आपको दिख रहे होंगे, ये लाही के जैसे दाने मेरे हाथ में हैं, तो इनका बीजों को प्रयोग न करें। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसके पुष्प बड़े ही प्यारे और देखने में अच्छे होते हैं, पत्ते कांटे युक्त होते हैं, और इसकी जड़ में विशेष गुण पाया जाता है। इसकी जड़ में नपुंसकता दूर करने का, और जो मनुष्यों में जो इनफर्टिलिटी पाई जाती है, नपुंसकता और बच्चा पैदा न करने की जो समस्या आज आम हो गई है, वो इस स्वर्ण छीरी की जड़ की छाल का काढ़ा पीने से दूर हो जाती है। या तो उस जड़ की छाल को या जड़ को पीस करके दूध के साथ सेवन किया जाए, या मिश्री के साथ सेवन किया जाए, या शहद के साथ सेवन किया जा सकता है। मात्रा 1 ग्राम रहेगी, ज्यादा नहीं लेना है। तो ये स्वर्ण छीरी उसके जीवन को स्वर्णयुक्त बना देती है। ये लगभग, देखिए, लगभग 2.5 फीट का पौधा है, और ये पौधा इससे बड़ा भी होता है। लगभग इतने बड़े, करीब 3-4 फीट के भी पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका एक ही वृक्ष है, इसलिए एक ही वृक्ष दिखा रहा हूँ इस तरीके से। तो इसकी जड़ में जो गुण है, वह गुण तो व्यक्ति को पुत्र उत्पन्न करने के लिए शक्ति देता है और नपुंसकता को दूर करता है। लेकिन अब इसके जो तने में जो रस पाया जाता है, जिसको तोड़ने पर पीले रंग का रस निकलता है, निश्चित है, आप देखिएगा जहां भी आपके पास हो, तो आप उसके तने को तोड़ेंगे तो रस निकलेगा। मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि शाम का समय है और इस समय पौधों के सोने का समय होता है, और हर पौधे में भी जीव पाया जाता है। अनावश्यक रूप से किसी जीव का विनाश करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। जब उसकी आवश्यकता हो तभी आप उस वनस्पति को तोड़ें। ये मेरा अपना विचार है कि अनावश्यक रूप से तोड़ करके, केवल आपको डेमो दिखाने के लिए मैं अगर इसको तोड़ूंगा, ये भी एक प्रकार की हिंसा होगी। ये मेरा विचार है, आप क्या समझते हैं ये अलग बात है। अच्छी बात ये होगी कि आप भी मेरे विचार से सहमत हों और इस जीव विज्ञान को समझें। जितना कष्ट, जितना दर्द हमें होता है, उतना ही पेड़ पौधों को भी होता है। तो अनावश्यक रूप से किसी को भी आप कष्ट न दें। अब देखिए, ये जब हमने वीडियो शुरू किया था, तब जैसा ये फूल है, ये और फूला हुआ था, अब ये फूल बगल वाला सोने लगा है, समेटने लगा है ये। तो ये भी जीवन चाहता है, ये भी खुशियां चाहता है। तो अनावश्यक रूप से किसी पौधे को भी हम नष्ट ना करें। तो मित्रों, अब जो ये दूध पीला पीला निकलेगा, उसका क्या वर्क होता है? उसका वर्क ये होता है दूध का, कि आंखें आ गई हों और आंख में मवाद या इस प्रकार की समस्या हो, उस समय स्वर्ण छीरी के दूध को आंखों में लगा लेते हैं, और आंखों में लगाते ही
एक दो दिन प्रयोग करने के बाद आपकी आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं, मवाद इत्यादि दूर हो जाता है। दूसरी बात, शरीर में खाज, खुजली, फुड़िया, फुंसी, यहाँ तक कि नासूर भी हो, इसके दूध को लगाएं। इसके दूध को लगाने से वो भयंकर से भयंकर नासूर भी गायब हो जाएंगे, खाज खुजली तो गायब ही हो जाएगी। और खाज खुजली में इसके दूध के अलावा इसके बीजों को भी पीस करके लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हाँ, इसका बीज बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, लेकिन इसके बीजों का सेवन कभी मत करना। इनके बीजों का सेवन आप नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीजों का सेवन आपको कष्ट दे सकता है। कई बच्चे इसके बीजों को खा करके मर चुके हैं। फिलहाल जितना मुझको ज्ञान है मैं वो बता रहा हूँ, और आगे इसके बीजों के प्रयोग के बारे में और भी जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में बीजों को खाने से मना करता हूँ। केवल बीजों का लेप करें शरीर के ऊपर, फुड़िया, फिंसी, खाज इत्यादि में, और इसकी जड़ को आप आराम से खोद सकते हैं, खोद करके जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पंचांग का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पूरा पेड़ ले लिया, उखाड़ लिया आपने जड़ सहित, जिसमें बीज, फल, फूल, कांटे और ये तना सब कुछ होगा, सारे को इसको काट करके आप छाया में सुखा लेंगे, और छाया में सुखा करके इसको अगर आप फिर जौकुट कर लें, और जौकुट करने के बाद में इसको काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना सकते हैं, यानी कि 500 ml पानी में आपको 2 चम्मच डाल देना है। जब वो पानी लगभग 100 ml के लगभग रह जाए या और भी कम हो जाए, तब उसको छान करके आप अगर पीते हैं तो ये आपको खांसी से निजात दिलाएगी, कफ की समस्या से निजात दिलाएगी, और नपुंसकता को दूर करेगी, पौरुष शक्ति का विकास करेगी। तो प्रिय मित्रों, आज के लिए बस मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। इस आर्जीमोन मैक्सिकाना को, स्वर्णछीरी को, सत्यानाशी को आप प्रयोग करें, दूसरों को प्रयोग करावें, और इसका आप अपने जीवन में बहुत ही अतीव प्रभाव देखेंगे। अच्छा, इस पौधे का प्रयोग कीमियागर सोना बनाने के लिए भी करते हैं, उस टॉपिक पर कभी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो कीमियागिरी एक अलग विषय है, वो रसायन विज्ञान है, और उसमें इसी स्वर्णछीरी पौधे से सोना बनाने की विधि है, उसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा अलग से करेंगे। तो प्रिय मित्रों, स्वर्णछीरी नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके छीर से अर्थात इसके दूध से स्वर्ण बनाने की क्रिया भी संपन्न की जाती है, और हमारे दर्शकों में जो लोग कीमियागिरी को जानते हैं वो इस वीडियो में मेरी कही हुई बात को सुन करके तुरंत समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और जो वैद्यक जानते हैं, वैद्य हैं, वो भी मेरी बात को सुन करके ये सब जान जाएंगे। आम जनता के लिए विशेष योगों, विशेष प्रयोगों को नहीं प्रसारित किया जा सकता, उनसे केवल उतना बताया जा सकता है जिससे कि उनको नुकसान ना हो, और इससे ज्यादा अगर आगे बढ़ा जाएगा, डीपली जाया जाएगा, तो कोई भी अपना अहित कर सकता है, इसलिए उन चीजों को, उन प्रयोगों को हम नहीं बताते। आशा है कि जितनी बात हमने बताई है सरल भाषा में, और जितने से आप लाभ उठा सकते हैं बिना किसी नुकसान के, उसको आप प्रयोग करें और लाभ उठावें। धन्यवाद।